हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी एकदम अलग तरीके से, नॉर्मल तरीके से, और घर के नॉर्मल सामान से फटाफट से आप आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं, और वो भी बहुत टेस्टी, बहुत सरल बनाने में। मेहमान भी खाएँ तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, कैसे बनाया पूछेंगे, कैसे बनाए। तो चलिए शुरू करेंगे आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। ये सब्ज़ी हम बनाएंगे दही के साथ, टमाटर ना यूज़ करके हम दही यूज़ करेंगे। तो दही वाली ग्रेवी की सब्ज़ी हम बनाएंगे, बहुत आसान है गाइस। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सा कलर आ गया, बहुत टेस्टी बनी है। तो मैं इसकी रेसिपी आप सबको बताने जा रही हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया है घर की बनी हुई एक कटोरी दही, देख सकते हैं आप, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काला नमक, 1 टीस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ मैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत, काले नमक से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा गाइस। और इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसमें ऐड करूँगी मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा मैंने और डाला है धनिया पाउडर, और इन सबको हम कर लेंगे मिक्स। ऐसी सब्ज़ी आप बनाएंगे गाइस, बहुत टेस्टी ग्रेवी बनेगी और बहुत टेस्टी आएगी। आप घर पे बनाएं, अपने लिए बनाएं या मेहमानों के लिए बनाएं, सभी को काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलिए, हमने आलू को उबाल लिया है, 2 आलू लिए थे उनको कट करके मैंने उबाल लिया है। अब पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल, ऑयल, और सरसों के तेल को मैं गरम होने दूंगी। जैसे ही सरसों का तेल गरम होगा, इसमें डालेंगे ज़ीरा, ज़ीरा थोड़ा चटकने देंगे 1/2 टीस्पून के करीब। हींग इसमें डाल रही हूँ, अदरक के कटे हुए बारीक टुकड़े, हरी मिर्च और लहसुन 3-4 कलियाँ हैं उनको बारीक कट कर लिए हैं, और इन सबको हम मिला लेंगे। हल्का सा इनको क्रंची बनाने के लिए हल्का सा पकाऊंगी मैं। देख सकते हैं आप, और इसमें मैंने ऐड किया है 1 प्याज बारीक कट कर लिया है मैंने। प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे हम। प्याज को हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, और प्याज को अगर आप कट नहीं कर सकते तो आप कद्दूकस कर लें, वो भी बहुत अच्छा होता है और बहुत जल्दी पकता है। इसमें हल्का सा नमक डालूंगी मैं प्याज, ताकि हमारी जल्दी ब्राउनिश हो, और मिक्स कर लेंगे इस तरह से। प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा ही पकाएंगे ताकि इसमें बाइट्स मिलता रहे। तो जब इस प्याज पे हम दही डालेंगे तो हमारा जो प्याज है स्मूथ, और इसकी ग्रेवी जो है खट्टी सी रहेगी, काफ़ी टेस्टी आने वाला है ये। तो आप देख सकते हैं ये ग्रेवी है, इस तरह से ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। तो बस इसको फ्लेम को स्लो करेंगे और अपनी खट्टी मीठी दही वाली ग्रेवी को मिक्स करेंगे, और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ग्रेवी को हम इस तरह से चलाते रहेंगे। अगर दही हमारी थोड़ी बहुत फट जाती है तो कोई बात नहीं, इसको तब तक हम स्लो लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एकदम स्लो कर दिया है फ्लेम को, हल्का हल्का इसमें उबाल आ रहा है,
तो इस तरह से चलाते रहेंगे। तो ग्रेवी को हम अच्छी तरह से कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। फ्लेम को हाई भी कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक सके। आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है। हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छा उबाल आ चुका है और ये थिक हो चुका है। तो आलू को मैंने उबाल लिया था और इसको बारीक कट कर लिया है। इसमें करेंगे मिक्स ताकि आलू में अच्छी तरह से हमारा मसाला, इसको भी 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी, अच्छी तरह से मसाले जो हैं हमारे आलू के अंदर चले जाएं। तो ये देखिए आलूओं में हमारे उबाल आ चुका है। तो इसी के साथ मैंने लिया है कसूरी मेथी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सिंपल तरीके से आलू की सब्ज़ी हम बनाएंगे, तो आलू को मैंने फ्राई भी नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल मैंने उबाल लिया था, स्पंजी सा था। इसमें डालूंगी मैं स्वाद के अनुसार नमक। और इसको इस तरह से चला लेंगे। बहुत मस्त, बहुत टेस्टी बनता है। आप सब भी ज़रूर बनाएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आ चुका है हमारी सब्जियों में। तो सब्जी अपनी दही की बनने वाली थी इसलिए मैंने इसको पहले से उबाल लिया था, आलू को पका लिया था। तो देखिए सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। बहुत टेस्टी चटपटी सब्जी, बस ज़रूर बनाएं आप सब भी। तो चलिए हम सर्व करते हैं। ये देखिए बढ़िया सा टेक्स्चर आ चुका है इसमें, बहुत टेस्टी सब्जी बनी है गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी बनाएंगे। देख सकते हैं आप, तो कितना आसान था आलू की सब्जी बनाना। वाओ, कितनी टेस्टी बनी है गाइस। आप सब भी बनाइए, गार्निशिंग कर लीजिए धनिया पत्ता से। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Till then, bye bye.